बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद आज के व्लॉग में। तो भाई मैं कहाँ पे हूँ, मैं मौजूद हूँ अंदर। क्या करने आया था, देखने आया था कि क्या मेरे कबूतरों ने अंडे दिए हैं कि नहीं दिए। भाई अंडा कोई नहीं है, कोई नहीं अंडा मिला। मैंने सारे खाने चेक कर लिए हैं और अभी तक तो कोई चक्कर नहीं है। नीचे बच्चे हैं मेरे पास, जो मैंने न्यू एक पेयर लिया उसके साथ एक बच्चा है, तो इनको भी दाना डाले, ये दाना खा लें तो फिर चलते हैं नीचे और इंशाल्लाह आपको उस बच्चे का भी शौक करवाते हैं। भाई मैं आ गया नीचे, छोटा क्यों ना पंखे के आगे थोड़े खड़ा हो जाऊँ, तो खड़ा हूँ तो ये मुर्गियाँ मुझे तंग कर रही हैं। आ आ आ आ आ आ आ आ, वो देखे कान खड़े कर लिए इन्होंने इधर आने के लिए। पर इधर ये देखना, ये अभी मैं बंड बना रहा हूँ ना, इसलिए इधर खड़ी हैं। तो इनको भी दाना देते हैं और इनको दाना दे के हम लोग चलेंगे कहाँ, अगेन अगले सेटअप पर। तो आज वन बाय वन आपको सारे सेटअप दिखाऊँगा। पहले हम गए सबसे ऊपर, ऊपर हमने कबूतरों को दाना पानी किया। अब नीचे आए तो मुर्गियाँ इधर मैंने बकरों के पास रखी हुई हैं, तो अब बकरियों को कह रहा हूँ तो ये पास खड़ी हुई। मैं क्यों खड़ा हुआ कि ये जो दाना है ये बेसिकली खा जाती हैं इसमें आके, तो इसलिए इनके पास खड़ा हूँ कि ये ना खाएं। इनको इनका लैदा दाना देना है और इनका दाना वो पड़ा हुआ है सामने। तो फिल वक्त इनको पता चल गया कि दाने का टाइम हो गया है, तो मैं सिर्फ वेट कर रहा हूँ कि ये जल्दी से खा लें ताकि बाकियों को भी दाना डिस्ट्रीब्यूट करें और फिर हम सुकून से अगले सेटअप का चल के दाना पानी। जिम्मेदारियाँ बढ़ती जा रही हैं, सेटअप बढ़ते जा रहे हैं, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह लाजमी कहिएगा। और अब जो शौक कर रहा हूँ इसमें कोई चीज़ भी नहीं छोड़ने वाला इंशाल्लाह। हैन स्टार ले लिया, फैंसी हैन की तरफ भी मेरा थोड़ा सा जेन है, मगर अभी वन बाय वन जो जो चीज़ें मेरी समझ में आ रही हैं वैसा वैसा सेटअप मैं तैयार करता जा रहा हूँ। आगे चल के देखते हैं कि क्या सेटअप तैयार होते हैं और जिस तरह की मुझे सोच है क्या उस तरह का सेटअप मिलेगा कि नहीं। अभी तक सारी शशो पंज में चीज़ें हैं तो आगे चल के क्लियर होंगी आसान से। लो जी मुर्गियों ने खा लिए फ़िलहाल दाना, और दाना मैंने डाल दिया था किधर से, जैसे ये खा रही है थोड़ी वो भी हो रही है। चल दे दे एक मिनट, इसको पहले इधर डाल लें। चलो ये साफ, इसमें अल्लाह निकालिए, तू साफ कर। आ आ आ आ आ आ आ, आ। आ आ आ आ आ आ आ, ये देखे जी ये खा रही हैं, इनको इधर दाना डाला हुआ है। ओए ओए चलो उधर खा लो खा लो खा लो। आ आ, चलो जी इनकी अब बारी आ गई है। पहले क्या करना है हमें, ये ब्रेड थी थोड़ी सी, अक्सर बच्चे दुकान पे ना रोटियां वगैरह दे जाते हैं, तो एक बच्चा ब्रेड ही पूरी दे गया, कहता शरोज भाई ये ना ख़राब हो गई है। मैंने कहा बेटा ये ज़ाया नहीं जाएगी, आप दे दो बस। ये ले कहूँ मियाँ आपको भी चाहिए, ये ले वो। आजा आजा कहूँ कवे अला वे अरे अला नहीं पिया। चलो साथ वालों ने भी कहना है कि थोड़ा रोटी आ गई, दो पिज्जा आया हो गई। चलो जी ये पापड़ वाले से लिए, इस तरह की चीज़ें मिलती रहती हैं हमें। चलो चलो खा लो खा लो। वे चले मोटे हो, अपना दाना खाओ उधर। चलो 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 मेरा बेटा, कुछ लोग चलो उधर जी। तो भाई इनको भी हो गया, मुर्गियों का भी हो गया, ठीक है। अब रह गया हमारा एक और शेड जो हमने सेटअप लगाया हुआ है, तो चलें आस्ता आस्ता, बस अब वहाँ पर जाना है। इनको बस दे दिया खाने को, ये खाएं, हम लोग चलते हैं नीचे और नीचे चलते आपको दिखाते हैं। फिर वक्त कवा जी हूँ समय लगी, डबल रोटी सी लग गई है जी, समझ इसको। चलें जी ये हो गया जी मुर्गियों का सेटअप भी कम्प्लीट, अब ये खा लेंगी तो इन्हें बंद करना है। वैसे तो आप देख सकते हैं सारा दिन यहाँ पर पट्ठे दाना गंद वगैरह खाती रहती हैं और इनका पोटा फुल रहता है। ये यार करूँ किस तरह तैयार कर रहा हूँ कि ये मैंने पहले ही नियत की थी कि भाई इन्हें कोई फीड नहीं डालनी, कोई कुछ नहीं डालना। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह 16 चूज़े लिए थे, 15 लिए थे, 2, 2, 4, 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 अल्हम्दुलिल्लाह 15 ही हैं। और माशाल्लाह लाजमी कीजिएगा, लाइफ में पहले टाइम वो ऐसा हुआ है कि अभी अगर आप गौर करें ना, ये प्रॉपर मुर्गी बन गई हुई है, बस इसने अब ग्रो करना है। ग्रो करने से मुराद है कि पट्ठी ये कह लें आप, मगर इसने फीड नहीं खाई तो इसलिए इतनी इसकी है वो हेल्थ नहीं है, इतनी हैवी नहीं है। वैसे ही अपनी एज में आ रही है, मगर इंशाल्लाह 2 माह तक ये अंडे देने शुरू कर देगी। तो इनका एक प्रॉपर यहाँ पर पिंजरा भी मुझे बनवाना है, मगर अभी नहीं, मगर इंशाल्लाह बनवाना है, बहुत जल्द बनवाना है। तो पिंजरा थोड़ा 5 से 6 फुट का बनाना है, तो इसलिए जो है ना
अल्लाह खैर करेगा। बाकी कोशिश तो पूरी है कि जितनी जल्दी हो सके बन जाए, मगर आस्ता आस्ता ही है, देखें कब तैयार होता है। जॉब में तो भाई हफ्ते में 2 दिन होते हैं हमारे सफाई के, तो चले पहले कर लेते हैं सफाई और फिर चलेंगे लेने के लिए क्या पक्के। तो फौरन जितनी जल्दी हो सकता है इसको सफाई करते हैं, सफाई करके कंप्लीट करके निकलते हैं पट्ठों के लिए और इनको लाके डालेंगे पट्ठे। तो चलें, टाइम बड़ा शॉर्ट है जैसे आपको पता है कि वेडनेसडे को हम लोग मंडी भी जाते हैं, पता नहीं अब आपको किस दिन मिलेगा, बट ये है कि कोशिश मेरी ये होती है एक आध दिन में आ जाए, रूटीन चेंज ना हो, तो सारी चीज़ों को मैनेज करना पड़ता है। फिर वक्त ये ऐसे करके धार छाते एक मतलब कैमरे को ले जी फुल एंड तक, और अभी सारी सफाई करता हूँ ये देखें ले जी, यहाँ से ले के अगर आप लोग देखें तो वो लास्ट मुर्गियों के खुडे तक एक ही चीज़ है, और इस सारी को सफाई करते हैं और इंशाल्लाह इसी तरह निकलेगी। सफाई करके फिर हम लोग निकलेंगे पट्ठों के लिए, तो वेट करें एंड वॉच करें, ये करके आपको 250 रुपये निकलते हैं, फिर बाद में आके मंडी चलेंगे जी। भाई यहाँ तक तो हो गया बिल्कुल क्लियर, ये इन्होंने गिरा दिया था यहाँ पर पानी, तो वो तांबिया उठा रहे सही, और इस तरफ से देख सकते हो आप लोग ये भी टोटल ओवरऑल हो गई है सफाई, वो अंदर का जो हिस्सा है उसको बंद कर दिया, ये रात रहेंगे इस तरफ, सुकून से अपना खाएं पिएंगे, इंजॉय करेंगे, और चलें हम लोग जो हैं पट्ठे लेने चलते हैं, आके डालते हैं इन्हें जी। तो भाई मैंने वेट क्यों किया आपको बताता चलो, मैंने वेट इसलिए किया है कि यार कोई इशू नहीं, अगर हम लेट भी हो जाते हैं तो नो प्रॉब्लम, जब नीचे जाएंगे वहाँ पे लाइट जली हुई है तो हम आपको उसका शॉक प्रॉपर करवा सकते हैं। तो लें जी यहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ पे हमने बेबजिस दोबारा अगेन ले आए हैं नीचे, और नीचे लाने की वजह क्या, ऊपर आप लोगों को पता है कि लास्ट टाइम चूहों ने हमारा बड़ा नुकसान किया है, तो भाई इसलिए हम चूहों से बचते बचाते जो है ना अब ऊपर से नीचे शिफ्ट हो गए हैं, और अब इंशाल्लाह ताला नीचे ही रहेंगे। तो फिल वक्त यहाँ पे एक पेड़ मेरे पास देख सकते हैं जी आप लोग, बड़ा ही प्यारा ये है जी, वाइट लकों का, ठीक है, और इसके साथ एक ये बच्चा है, ये मैंने रिसेंटली बाइंग किया है और मुझे बहुत ही प्यारा लगा। इसकी टेल्स यहाँ पे ज़रा ख़राब हो गई हैं, केज छोटा है, मगर इंशाल्लाह एक आध दिन में ये बड़ा केज बन जाएगा यहाँ पे सेफ्टी के, तो फिर हम इसे ओपन छोड़ देंगे। और इसके अलावा अगर ऊपर बात करें तो ऊपर देख सकते हैं आप लोग भी माशाल्लाह, ये बजेज जो हैं ये भी हमने रखे हुए हैं कुछ, और उसके अलावा यहाँ पर ये होगोरोमो के पेड़ हैं, वो भी आपको दिखा देता हूँ अगर ये बाहर की तरफ ना आए तो। ये चेक करें जी, ये मेरा होगो का सेटअप है, तो यहाँ पे मैंने कुछ पेड़ होगो के दोबारा इकट्ठे किए हैं, माशाल्लाह देख सकते हैं आप बहुत ही प्यारे पेड़ हैं, और इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द ये इनकी पेयरिंग भी कंप्लीट करके मैं लगाने लगा हूँ, मगर अभी ये है कि इनका थोड़ा सा चर है। यहाँ पे एक दो चीज़ें और बताता चलूँ, क्यों चल रहे हैं कि भाई यहाँ पर अभी फिल वक्त सामान ये कुछ पड़ा हुआ है, ये तैयार किया था फर्नीचर, तो ये चला जाएगा, ये पॉलिश होने के लिए हमारे पास आया हुआ था, तो फिर इंशाल्लाह ताला यहाँ पे कलोनियाँ बनेंगी और इसके आगे एक सेफ्टी केज, और इंशाल्लाह 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 अल्लाह ताला की ज़ात ने चाहा तो यहाँ पे एक छोटा सा सेटअप बनाएंगे जो कि सर्दी गर्मी से बचेगा। और डव के लिए भी अब यहाँ पे पेयरिंग मेरे पास पड़ी हुई है, और बहुत ही प्यारी डव की पेयरिंग है माशाल्लाह देख सकते हैं। तो ये न्यू चीज़ें जो हैं मैंने इकट्ठी की हैं, अभी वन बाय वन करके कर रहा हूँ, प्रॉपर की भी नहीं है, और अभी आस्ता आस्ता ही इंशाल्लाह चलेगा सिस्टम, और फिर इंशाल्लाह इनको जो है लगाया जाएगा, अभी इनके केजेस बनेंगे, तो अभी तो टेम्परेरी यहाँ पे छोड़ा। चूहे का बड़ा सुकून है भाई, चूहा शुहा कोई चक्कर नहीं है यहाँ पे, मेरे किसी बर्ड्स को कोई ख़तरा नहीं है। हाँ बिल्ली तंग कर रही है, मगर जब यहाँ पे सेफ्टी केज बन जाएगा फिर बिल्ली का भी टेंशन ख़त्म हो जाएगी। तो अभी क्यों टेंशन बनी हुई है, अभी इसलिए टेंशन बनी हुई है कि रात को ज़रा थोड़ा सा होता है कि बिल्ली ना पड़ जाए, तो वैसे मैं काफ़ी टाइम बैठा रहता हूँ इधर, और अभी दाना पानी इनका हो गया है, मगर दाना पानी नहीं किया, थोड़ा सा ही डाला, सुबह इंशाल्लाह प्रॉपर करूँगा। तो इस ब्लॉग को कल ही कंटिन्यू करेंगे क्योंकि कल लूसन काट के इनको डालना है सारा कुछ, तो इंशाल्लाह फिर वन बाय वन आपको ये सारी चीज़ें देखने के लिए मिलेंगी। तो चलें वेट करें नेक्स्ट डे का।